विरोधी धिर नेता एमएलए हरपाल सिंह चीमा ने जारी की वीडियो। हुण जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया गा वो बहुत बड़ा संकेत आ, बहुत बड़ा सबूत आ कि जिहड़े कानून ने ये काले ने, ये गलत ने। एमएलए हरपाल सिंह चीमा ने सवाल पूछा कि इन्हां काले कानूनां नूं पार्लीमेंट विच पास करवाउण लई कौन लेके आया सी? इह काले कानून बनाए किहने सीगे? इह देश दी पार्लीमेंट च बणे नेगे, इह देश दी मोदी साहब दी सरकार ने बणाए ने, देश दी केंद्र सरकार ने बणाए नेगे। विरोधी धिर दे नेता एमएलए हरपाल सिंह चीमा ने एक वीडियो संदेश जारी किया है जिस दे विच उन्हां ने सुप्रीम कोर्ट दे फैसले दा स्वागत किया है अते नाल ही कई तरह दे सवाल भी खड़े कर दिते हन। उन्हां कहा कि इन्हां काले कानूनां नूं पार्लीमेंट दे विच पास करवाउण दे लई सब तो पहला पेश किसने किया सी, तां आओ सुनदे हां की कहंदे हन हरपाल सिंह चीमा। बेशक अज देश दी मानयोग सर्वोच्च अदालत दा फैसला आया गा कि उन्होंने तिने काले कानून ते रोक ला दित्ती आ, स्टे कर दित्ती आ, पर लेकिन मैं समझदा गा ये काले कानून बनाए किने सीगे? ये देश दी पार्लीमेंट च बने नेगे, ये देश दी मोदी साहब दी सरकार ने बनाए ने, देश दी केंद्र सरकार ने बनाए नेगे। सो केंद्र सरकार नूं चाहीदा कि तुरंत ये काले कानून वापस लेने चाहीदे ने, क्योंकि किसानां दी जिहड़ी मंग आ, मेन मंग आ, वो काले कानून वापस कराउण दी गल आ। सो हुण जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट दा फैसला आया गा वो बहुत वड्डा संकेत आ, वो बहुत वड्डा सबूत आ कि जिहड़े कानून ने ये काले ने, ये गलत ने, ये किसान विरोधी ने गे। सो मैं समझदा गा हुण केंद्र सरकार नूं जिहड़ा हैगा जिम्मेवारी तों कम लैणा चाहीदा, मोदी साहब नूं जिहड़ी आ दयानतदारी दिखाउणी चाहीदी आ, देश दे प्रधानमंत्री साहब जिहड़ा हैगा अपनी जिम्मेवारी दा रोल निभाउणा चाहीदा और खुद आ के किसान आगू नाल गल्लबात करके ये काले कानून तुरंत वापस लैणे चाहीदे ने। ब्यूरो रिपोर्ट, चढ़दी कला, टाइम टीवी।